हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे इज अवर लेक्चर ऑन सम एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड टू सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो स्टडी अबाउट सम एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड टू सिमेट्रिकल कंपोनेंट। नाउ वी स्टडी दिस एग्जांपल। वी आर सीन इन द फिगर अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड टेक 90 एम्पीयर from a balanced three-phase four-wire supply. If the fuse in the Y and B phase are removed, find the symmetrical component of the current before the fuse are removed and after the fuse are removed. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक balanced star connected load है, और ये जो balanced star connected load है उसके अंदर जो supply current flow हो रहा है वो करंट बैलेंस कंडीशन में हो 90 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ये जो 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वो थ्री फेज फोर वायर सप्लाई से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो लोड है उसमें करंट IR, IY और IB थ्री फेज करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें कहा गया है इफ द फ्यूज इन द Y एंड B फेज आर रिमूव्ड, फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो अभी मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट करंट फाइंड करना है, यानी कि जो ये वाई फेज और बी फेज उसमें अगर फ्यूज को हटाया जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर फॉल्ट आ जाए तो हमें जो करंट मिलेगा फॉल्ट करंट, उस फॉल्ट करंट के हमें तीन कंपोनेंट मिलेंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव और जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट। उन सभी कंपोनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि बिफोर द फ्यूज आर रिमूव, यानी कि अगर यहाँ पर फ्यूज जो है उसको हटाया नहीं गया है, उसके पहले हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर आफ्टर द फ्यूज आर रिमूव, यानी कि अगर फ्यूज जब हटाया जाएगा उसके बाद ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी उसके बारे में हमें फाइंड करना है। यानी पहले तो हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक जो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है उसके अंदर क्या सीखा था। उसके रिलेटेड जो है यहाँ पर इक्वेशन हम जो है वो इस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। यानी पहले हमारा जो यहाँ पर हमें दो बात कही गई है, एक तो फ्यूज को रिमूव करने के बाद और फ्यूज के साथ, यानी कि फ्यूज को रिमूव नहीं करेंगे तो बैलेंस कंडीशन में हमारी रहेगी, यानी जो थ्री फेज सिस्टम है बैलेंस कंडीशन में है, और अगर फ्यूज हम जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि फ्यूज जो है उसको हटाएंगे तो फ्यूज डिसकनेक्ट होने के बाद जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी वो फॉल्टी कंडीशन में मिलेगी। यानी एक जो है वो हमारी बैलेंस कंडीशन है और दूसरी अनबैलेंस कंडीशन या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोल सकते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट सॉल्व करने के लिए हमें पास क्या था कि हमारे पास हमें तीन कंपोनेंट लिए हुए थे, एक तो हमारा पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सिक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट। यानी यहाँ पर जो है वो R, Y और B रहेगा पॉजिटिव में, और यहाँ पर R, B, Y रहेगा, यानी तीनों फेज की वैल्यू चेंज रहेगी, और यहाँ पर R, Y, B जो है वो रहेगा। अब ये जो वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो हमें मालूम है कि हमने इक्वेशन जो है वो फॉर्मूला लिया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये जो I है यानी कि IR है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए IR1, IR2 प्लस IR0, उसी तरह IR IY की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, IY1 प्लस IY2 प्लस IY0, और IB जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। यानी ये तीनों जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो उसका सम हम लेंगे तो IR, IY और IB जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर ए के बारे में जाना था, यानी ऑपरेटर ए में क्या था कि हमारे जो कोई भी फेजर जो है उस फेजर को हम
अगर सपोज ये फेजर आई है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई जो है वो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 120 डिग्री मोमेंट करके मिलेगी और इसकी वैल्यू ए आई मिलेगी। यानी आई फेजर जो है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 का रोटेशन लेगा। तो ये जो थियरी थी तो ऑपरेटर ए जो है उसके बारे में जो हमने जाना था उसके रिलेटेड हमने वही जो हमारे आई आर आई वाई और आई बी जो है उसके फॉर्मूला निकाले थे कि जो आर फेज के टर्म में थे, यानी आई आर की वैल्यू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर जीरो रहेगी और आई वाई की वैल्यू जो है वो ए स्क्वेयर आई आर वन प्लस ए आई आर टू प्लस आई आर जीरो। उसी तरह आई बी जो है उसकी वैल्यू ए आई आर वन प्लस ए स्क्वेयर आई आर टू प्लस आई आर जीरो। और ये जो तीनों इक्वेशन हमने फॉर्मूला निकाले थे वो आर के टर्म्स में थे। फिर ये जो टर्म्स है उसका यूज करके हमने जो हमारे तीनों सीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सिक्वेंस करंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला था। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। और तीनों की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जो था वो क्या था हमारा, आई जीरो विच इज इक्वल टू 1/3 आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। उसी तरह आई वन की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 आई आर प्लस ए आई वाई प्लस ए स्क्वेयर आई बी। उसी तरह आई टू की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, आई टू इज इक्वल टू 1/3 आई आर प्लस ए स्क्वेयर आई वाई प्लस ए आई बी। अब हमारे पास जो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला जो है यानी यहाँ तक हमने सभी फॉर्मूला थे वो रिवाइज कर लिए हैं। अब इसी का यूज करके हमें ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें पहले जो है वो बिफोर द फ्यूज आर रिमूव, यानी कि अगर फ्यूज जो है वो रिमूव नहीं किया है उसके पहले की कंडीशन पे हम सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर द रिमूवल फ्यूज के अंदर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तीनों की। तो पहले बिफोर द फ्यूज आर रिमूव कंडीशन हम ले लेंगे। तो अगर फ्यूज जो है वो रिमूव नहीं किया है वाई और बी लाइन के अंदर, यानी कि जो सिस्टम है वो हमारी बैलेंस कंडीशन में है। अब सिस्टम बैलेंस कंडीशन में हो इसका मतलब हमारे जो तीनों फेज है आई आर आई वाई और आई बी तीनों के अंदर इक्वल वैल्यू करंट फ्लो होगा। तो तीनों के अंदर जो सपोज हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि 90 एम्पियर करंट है, तो हम सपोज अज्यूम करें कि आई आर की वैल्यू 90 रेफरेंस है, तो यानी 90 एंगल ऑफ जीरो के साथ आई वाई की वैल्यू जो है वो 90 एंगल ऑफ 240 के साथ और आई बी की वैल्यू जो है वो 90 एंगल ऑफ 120 के साथ रहेगी। तो ये जो वैल्यू जो है हमें आई आर आई वाई और आई बी तीनों की वैल्यू जो है वो बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर हमें मिली है। अब हमें ये तीनों वैल्यू से हमें पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि जो है ये जो आई वाई आई आर आई वाई और आई बी तीनों में से हमें जो है तीनों के कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमें मालूम है कि जो हमारी बैलेंस कंडीशन में कोई भी सर्किट रहेगी उसके अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही रहेंगे, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो हमें उसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो मैथमेटिकली वही वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। तो पहले हम जो है वो जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करते हैं। अब जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई आर जीरो इज इक्वल टू 1/3 आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अब जीरो सीक्वेंस करंट जो आर फेज का है वही वाई फेज का रहेगा, यानी आई वाई जीरो यानी आई बी जीरो। तीनों के लिए सेम फॉर्मूला यानी एक वही फाइंड कर सकते हैं। तो अब 1/3 आई आर जीरो की वैल्यू कौन सी थी, 90 एंगल ऑफ जीरो प्लस आई वाई जीरो की वैल्यू आई वाई की वैल्यू 90 एंगल ऑफ 240
प्लस आई बी की वैल्यू 90 एंगल ऑफ 120। अब इस जो ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 90 एंगल ऑफ कोस 0 यानी ये 1 आएगा 90, या 90 एंगल ऑफ कोस 240 साइन 240 इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0, और कोस 120 एंगल ऑफ साइन 120 उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0। यानी कि यहाँ पर जो है हमें टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो इसको हम सोल्व करेंगे तो 0, सो 1 एंड 0 यानी 0, तो आई आर आई वाई और आई बी तीनों की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 0 एम्पियर, यानी 0 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो 0 सिक्वेंस करंट जो है उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अब जो है वो नेगेटिव सिक्वेंस करंट के बारे में फाइंड करते हैं, तो नेगेटिव सिक्वेंस करंट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई आर टू 1/3 आई आर प्लस ए स्क्वेयर आई वाई प्लस ए आई बी। अब यहाँ पर आई आर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 90 एंगल ऑफ 0 प्लस ए स्क्वेयर यानी 120 माइनस 120 इंटू ए वाई यानी 90 एंगल ऑफ 240 अब प्लस 1 इंटू ए यानी 120 एंगल ऑफ 120 और इंटू 90 एंगल ऑफ 120 फॉर बी। अब इसको हम सोल्व करेंगे यानी 190 एंगल ऑफ 0 प्लस 90 एंगल ऑफ 120 प्लस 90 एंगल ऑफ 240 यानी कि ये भी जो है उसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी 0। सो आई आर टू की वैल्यू हमें 0 मिलती है। अब आई आर टू की वैल्यू 0 मिलती है यानी कि जो आर फेस का जीरो नेगेटिव सिक्वेंस की वैल्यू है वो हमें 0 मिली। अब आर फेस की वैल्यू 0 मिली, अगर वाई फेस की वैल्यू फाइंड करनी है आई वाई टू तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ए आई आर टू। उसी तरह आई बी टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है ए स्क्वेयर आई आर वन। तो अब ये आई आर टू जो है वो 0 है इंटू ए यानी 0, आई आर वन वो भी 0 है इंटू ए यानी 0। सो हमें यहाँ पर जो है वो जीरो नेगेटिव सिक्वेंस करंट की वैल्यू मिल गई है तीनों फेज के लिए आर वाई और बी फेज के लिए। अब हमें जो है वो ये तीनों फेज की वैल्यू हमारे पास है और पॉजिटिव सिक्वेंस हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है, जो भी हमारी वैल्यू थी आर आई वाई आई वाई आई बी और आई सी की और आई आर की, ये तीनों वैल्यू जो है यानी हमारा आई आर 0 है आई आर 2 0 है यानी आई आर 1 इज इक्वल टू हमारा आई वाई हो जाएगा। यानी जो भी हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू है वही हमारी बैलेंस कंडीशन में जो हमारी सिस्टम के तीनों फेज का जो है वैल्यू वही हमें पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो मिलती है। यानी पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू भी यहाँ पर आई वाई और आई बी और आई आर की जो वैल्यू है वही इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ बिफोर द फ्यूज आर रिमूव हमने सिस्टम के तीनों कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर लिए। अब हमें आफ्टर द फ्यूज आर रिमूव के लिए सिस्टम के कंपोनेंट जो है वो फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर अगर ये थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर हमने सपोज जो है वो ये तीनों फेज है यहाँ पर आर वाई और बी। अब तीनों फेज के अंदर यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ था उस वो फ्यूज हमने निकाल दिया है वाई और फेज में और बी फेज के अंदर, यानी ये दोनों जो फ्यूज है वो निकालने के कारण क्या रहेगा कि जो करंट जो है वो कहाँ से फ्लो होगा आर फेज में, यानी आई आर का जो करंट रहेगा उसकी वैल्यू 90 एंगल ऑफ 0 है एम्पियर, तो वही करंट यहाँ पर फ्लो होगा। और ये आई वाई और आई बी जो है उसके फ्यूज निकाल लिए हैं, यानी आई वाई और आई बी जो है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो हमें 0 एम्पियर मिलेगी। तो ये दोनों में से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, सिर्फ आर फेज में ही करंट फ्लो होगा।
अब हमें हमारे पास IR, IY और IB तीनों की वैल्यू है। इस तीनों वैल्यू से हमें जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्यूज के लिए। तो यहाँ पर पहले जो है वो हम जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। अब जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करना है, यानी IR जीरो इज इक्वल टू IY जीरो इज इक्वल टू IB जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब IR जीरो की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है IR जीरो विच इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस IY प्लस IB, यानी कि 1/3 IR जो है उसकी वैल्यू कितनी है 90 एंगल ऑफ जीरो प्लस YY की वैल्यू जीरो, IB की वैल्यू जीरो, यानी IR जीरो की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 1/3 इंटू 90 एंगल ऑफ जीरो, यानी 30 एंगल ऑफ जीरो IR जीरो की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। और उसी की वैल्यू जो है वो IY जीरो की भी है और IB जीरो की भी है, यानी तीनों कंपोनेंट, तीनों जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, सॉरी यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो IR जीरो, IY जीरो और IB जीरो की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कंपोनेंट, तो पहले पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो R फेज के अंदर और जो है फाइंड करने के लिए IR1, यानी IR1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा IR प्लस IY AIY प्लस ए स्क्वेयर IB इंटू 1/3, यानी यही फॉर्मूला है जिससे हम IR1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो IR की वैल्यू जो है वो 90 एंगल ऑफ 30 है प्लस AIY यानी 0, ए स्क्वेयर IY यानी 0 इंटू 1/3। अब तीनों की वैल्यू जो है वो 90 एंगल ऑफ 30 और तीनों की वैल्यू जो है उस हमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 30 एंगल ऑफ 0 मिलेगी, सॉरी यहाँ पर 0 एंगल है, तो ये हमें 30 एंगल ऑफ 0 IR1 की वैल्यू मिलेगी। अब IY1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास IY1 यानी ए स्क्वेयर IR1 और उसकी वैल्यू ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एंगल ऑफ 240 इंटू IR1 की वैल्यू हमने फाइंड की 30 एंगल ऑफ 0, तो हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी IY1 की वो कौन सी होगी 30 एंगल ऑफ 240। अब हमें IB ये जो हमने वैल्यू फाइंड की वो IR1 और IY1 की फाइंड की, अब हमने IB1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो IB1 की वैल्यू कितनी होगी IB1 इज इक्वल टू AIR1, अब A जो है यानी एंगल ऑफ 240 सॉरी एंगल ऑफ 120 इंटू 30 एंगल ऑफ 0, यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी IB1 की वो होगी 30 एंगल ऑफ 120 एम्पियर। यानी यहाँ पर हमने IR1, IB1 और IY1 यानी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्यूज। अब हमें जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास IR2 इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस ए स्क्वेयर IY प्लस AIR। अब यहाँ पर भी हम R की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1/3 IR यानी 90 एंगल ऑफ 0 प्लस ए स्क्वेयर यानी एंगल ऑफ 240।
इंटू आई वाई यानी 0 प्लस ए यानी एंगल ऑफ 120 इंटू आई बी इज इक्वल टू 0। तो हमें आई आर टू की वैल्यू मिलेगी 1/3 इंटू 90 एंगल ऑफ 0, मतलब इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 30 एंगल ऑफ 0। तो आई आर टू जो है यानी नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू आर फेस के लिए हमें मिलेगी 30 एंगल ऑफ 0। अब जो है वो हमें क्या फाइंड करना है वाई फेस के लिए, वाई फेस और बी फेस दोनों के लिए हमें नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो वाई फेस के लिए नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड करना यानी आई वाई टू विच इज इक्वल टू ए आई आर टू। अब आई आर टू की वैल्यू यहाँ पर 30 एंगल ऑफ 0 है, ए की वैल्यू यानी कि 120, सो एंगल ऑफ 120 इंटू 30 एंगल ऑफ 0 हमें वैल्यू मिलेगी 30 एंगल ऑफ 120। सो आई वाई टू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें आई बी टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई बी टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर आई आर टू, ए स्क्वेयर यानी एंगल ऑफ 240, आई आर टू यानी 30 एंगल ऑफ 0 यानी हमें वैल्यू जो है वो आई बी टू की वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी 30 एंगल ऑफ 240। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो है वो आफ्टर रिमूवर और बिफोर फेज आर रिमूव पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हमारे जो डाउट हमारे मन में ये आएगा कि अगर यहाँ पर हमने बात की कि जो हमारी थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर जो आर फेज और वाई फेज है यानी वाई फेज और बी फेज है सॉरी उसके अंदर हमने फ्यूज को रिमूव कर दिया है, अगर यहाँ पर हमने फ्यूज को रिमूव कर दिया है तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो तो हमने कंपोनेंट फाइंड किया उसके अंदर तो हमने आई वाई जीरो और जो है वो आई वाई वन आई वाई टू या आई बी वन आई बी टू यानी दोनों फेज के करंट की वैल्यू हमें मिलती है। एक्चुअल कंडीशन में तो हमें सिर्फ आर की वैल्यू ही मिलनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली वो हमारी जो है वो एक्चुअल में हमारी सर्किट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में हमें तीनों में वाई फेज और बी फेज की वैल्यू भी मिलती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये तो सिर्फ मैथमेटिकल कंपोनेंट है हमारे जो हमारे एक्चुअल फॉल्ट करंट है उसके मैथमेटिकल कंपोनेंट है, यानी अगर यही कंडीशन जो है उसको हम अगर यहाँ पर प्रूव करें मतलब कि अगर आई वाई जो है इससे हम आई वाई की वैल्यू फाइंड करें अगर फॉल्ट यहाँ पर आफ्टर रिमूवल फ्यूज के लिए आई वाई की वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आई वाई जीरो प्लस आई वाई वन प्लस आई वाई टू। अब आई वाई जीरो की वैल्यू हमने कौन सी फाइंड की 30 एंगल ऑफ 0 प्लस आई वाई वन की वैल्यू 30 एंगल ऑफ 240 प्लस 30 एंगल ऑफ 120। अब ये जो वैल्यू है उसको अगर यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 यानी यहाँ पर हम कर सकते टोटल करंट जो आई वाई है उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू आई वाई के लिए मिलती है। उसी तरह बी के लिए भी हम तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं जिस तरह ए के लिए वाई के लिए उसी तरह बी के लिए, यानी ये तीनों मैथमेटिकल कंपोनेंट है एक्चुअल कंडीशन में वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ तक हमने जो है इसके रिगार्डिंग सभी एग्जाम्पल थे वो हमने अब देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सीक्वेंस इम्पीडेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने मालूम है कि हम तीन टाइप्स के फॉल्ट स्टडी करेंगे, एक तो हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा और हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। तीनों के फॉल्ट करंट फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूला है, वो कैसे डिराइव करेंगे वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करेंगे।
तो यहाँ तक हम जो है वो हमारा सिमेट्रिकल करंट के तीनों कंपोनेंट I0 सॉरी IR IY और IB तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों कंपोनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं और कंपोनेंट से हम फोल्ड करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया है और उसके रिलेटेड लगभग सभी एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं। तो आगे लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।